Hi friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज एक बहुत ही बेसिक मूवमेंट लेके आया हूँ जो अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं, वो है आपका पुशअप्स। अब मैं बहुत सारे पुशअप्स के वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी, बट मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो शायद ही आपको कभी पता चली होंगी, राइट? तो चलिए जानते हैं पुशअप्स के बारे में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले ये जानते हैं कि पुशअप्स आपको कब कब लगाना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि क्या पुशअप्स आपको रोज़ लगाना चाहिए वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी सुनिए कि पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, बॉडी वेट एक्सरसाइज, उस इंसान के लिए जो कभी कोई किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं करता और सिर्फ होम वर्कआउट करता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन जो जिम जाता है, वेट ट्रेनिंग करता है, उसके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन उसको हर वर्कआउट में पुशअप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। पुशअप्स का इस्तेमाल आप कभी कभी वार्म अप के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप चेस्ट लगा रहे हैं तो उस दिन थोड़ा वार्म अप कर लिया है आपने, या फिर कोई शोल्डर, जिस दिन आप ट्रेन कर रहे हैं उस दिन आपने वार्म अप कर लिया चेस्ट और शोल्डर के लिए, फ्रंट डेल्ट्स के लिए पुशअप लगा के, उससे आपकी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर जॉइंट्स की मोबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, ताकि आप जब हैवी वेट लिफ्ट करें अपनी मेन ट्रेनिंग में शोल्डर या चेस्ट की, तो आपके किसी भी तरह के जॉइंट इश्यूज़ ना हो। चलिए अब जानते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स ऑफ पुशअप्स। तो पुशअप एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड मूवमेंट है। कंपाउंड मूवमेंट का क्या मतलब होता है? जिसमें एक से ज़्यादा जॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, राइट? और मसल भी ज़्यादा ट्रेन होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पे जॉइंट्स की, तो एल्बो शोल्डर इस्तेमाल हो रहा है आपका। साथ ही साथ पुशअप को स्टार्ट करने से पहले हमें प्लैंक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कंपाउंड मूवमेंट है। तो आपके कोर मसल्स का क्या मतलब होता है? आपके एब मसल्स, आपके उसके अंदर बेसिकली रेक्टस एब्डोमिनस, ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जो आपकी अंदर परत होती है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो ओवरऑल कोर मसल्स, दिस इज ऑल कोर, मतलब आपका धड़ इज कोर। तो ये सारे मसल्स को ये ट्रेन करता है, इवन चेस्ट में भी काम करता है, ऑब्वियसली चेस्ट प्रेसेस ही हैं ये। तो पोजिशनिंग क्या रहेगी? सबसे पहले पोस्चर की हम बात करें तो आपके जो हाथ हैं इनकी डिस्टेंस आपके शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर रहेगी, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा वाइड नहीं रखा है मैंने और ज़्यादा क्लोज भी नहीं रखा है, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर, ठीक है। सेकंड चीज़ आप क्या करेंगे, फीट देखिए मेरे कैसे जा रहे हैं, फीट पीछे गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा है आपने कि मेरे फीट दूर नहीं है ऐसे, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है, थोड़े से आसान हो जाते हैं। कोशिश ये करनी है कि क्लोज रखा जाए, राइट? नाउ सेकेंड थिंग इज अ प्लैंक पोजिशन। प्लैंक पोजीशन कैसे बनेगी? जब आप एक इस तरह की पोजीशन में आते हैं, दिस इज कॉल्ड अ प्लैंक पोजीशन, राइट? ये नहीं होती प्लैंक पोजीशन, दिस इज अ प्लैंक पोजीशन। जब आपके पूरे मसल्स इंगेज हो, आपके डेल्ट से लेकर आपका ट्राइसेप्स, इवन बाइसेप्स, चेस्ट मसल्स, कोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, योर ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, एवरीथिंग इज इंगेज्ड, दैट्स व्हाई पुशअप को आपका कंपाउंड मूवमेंट कहा जाता है। देखिए प्लैंक पोजीशन में आपको स्क्वीज करना है, अपने ग्लूट्स को टाइट करना है, हैमस्ट्रिंग को टाइट करना है, काफ्स टाइट रहेंगे, कोर टाइट रहेगा, चेस्ट अप, दिस इज अ प्लैंक पोजीशन। नेक की पोजीशन देखिए, ऐसा नहीं करना है, एक्सटेंड नहीं करना है, इट बी इन अ स्ट्रेट लाइन विद योर थोरेसिक स्पाइन के, ठीक है। अब देखिए प्लैंक हम समझ गए, अब बारी आएगी आपकी किसकी, पुशअप्स की। एग्जैक्ट पोजिशन आपको बनाना है, हैंड की प्लेसमेंट आपने कर दी सही, फीट प्लेसमेंट कर दिया, नाउ दिस इज अ प्लैंक पोजिशन, ठीक है। तो पुशअप की शुरुआत यहां से होगी एंड काउंटिंग देखिए किस तरह से रहेगी, टेम्पो यहां पे 1 2 up 1 2 up 1 2 up। अब देखिए दूसरी ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि आपका जो पोजिशनिंग है हाथ का वो कहां पे रहेगा। अगर मैं आपको साइड एंगल से दिखाऊं तो देखिए मेरा पोजीशनिंग हाथ का ठीक चेस्ट के पास है, ये देखिए, राइट? कुछ लोग कैसे लगाते हैं ये, दिस इज रॉन्ग, मतलब आप इतना आगे आ रहे हैं अपने चेस्ट की लाइन से कि वो शोल्डर पे ज़्यादा आने लगता है, राइट? और वो डिसबैलेंस एक ऐसी पोजीशन बनती है जो बहुत ही वल्नरेबल है, राइट? तो फोकस यहाँ पे करना है कि चेस्ट के ही लाइन में हमें, बेसिकली इट्स अ बेंच प्रेस मूवमेंट जो आप कर रहे हैं विथ बॉडी वेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म इस तरह से होते हैं, ये
दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. जो मैंने पहले आपको बताया कि हैज़ टू बी अ प्लैंक पोजिशन, एवरीथिंग इज टाइट एंड देन कंट्रोल मूवमेंट. वन, टू, थ्री, फोर. ओके, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि इंगेजमेंट ऑफ योर चेस्ट मसल्स. ऑब्वियसली ये मेजॉरिटी आपका जो मसल पार्ट है वो आपका चेस्ट ही इंगेज हो रहा है इसमें, तो चेस्ट को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है. सो जो कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच पार्ट है उसको पूरी तरीके से फील कीजिए आप. सी व्हाट आई एम डूइंग हियर. ओके, कंट्रोल मूवमेंट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट. चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है मुझे यहाँ पे, देखिए. वन, टू, वन, टू. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्लोर को पुश कर रहे हैं और अपने ह्यूमरस बोन को, दिस इज योर ह्यूमरस बोन, अपर आर्म, इसको क्लोज ला रहे हैं. जब भी हम अपने ह्यूमरस बोन को क्लोज लेके आएंगे, इट विल एक्टिवेट योर चेस्ट मसल्स. ठीक है, सो दिस वॉज योर स्ट्रेच एंड ये आप कर रहे हैं. बेसिकली अर्थ को, फ्लोर को, धरती को आप पुश कर रहे हैं इस तरह से बाहर की ओर. ये पुश हो रहा है आपका. ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो आपके चेस्ट में आ रहा है, एक्टिवेशन चेस्ट में हो रही है. ठीक है, ध्यान दीजिए एक और बार. सी, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. नाउ नीचे गए आप, अब पुश. सी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट. देखिए पुशअप करते हुए ही मुझे पंप आ गया, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू पुशअप्स. मतलब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज खाली नहीं लगानी है, फील करना है सारे मसल्स को. एक और चीज़ इसमें आती है कि एल्बो लॉक करना है या नहीं करना है, राइट. कुछ लोग कहते हैं कि भाई पुशअप्स आप लगाइए और ये मत करिए. नहीं करना है इसीलिए क्योंकि प्रेशर अननेसेसरी आपके जॉइंट्स में आ जाएगा. जब आपका काम सिर्फ चेस्ट को और डेल्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको वार्म करना है जॉइंट्स को, तो आप सिर्फ इतना मूवमेंट करिए, दैट्स इट. देखिए एल्बोज अभी लॉक नहीं है, दैट्स इट. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो ये बेसिक मिस्टेक्स लोग करते हैं जब वो पुशअप्स लगाते हैं. बहुत ही बेसिक मूवमेंट है, फाउंडेशन है आपकी एक्सरसाइजिंग की, राइट. तो गाइज ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत कीजिए. और मैं इस तरह के और भी बेसिक एक्सरसाइज लेके आऊँगा जल्दी ही. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़रूर इसमें कमेंट कीजिए, मुझे बताइए. एंड गाइज टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.